तो भाई आज हम फिर से बात करेंगे अपनी वैगनर गाड़ी के ऊपर। भाई आज इस बार पता क्या जरूरत पड़ी हमें वैगनर के बारे में बात करने के लिए? भाई एक ना थोड़ा छोटा सा कांड हो गया। मैं आपको कांड ना शुरू से एक्सप्लेन करता हूँ क्या कांड हुआ था। और भाई वो ना कांड ना एक्सेसरी से रिलेटेड है। भाई जरूर देखना इस वीडियो को, जो भी बाहर से एक्सेसरी लगवाता है ना वो भाई तो जरूर देखना इस वीडियो को। आजकल तो भाई सभी बाहर से एक्सेसरी लगवा लेते हैं, तो भाई बताते हैं क्या काम हुआ था इसमें। तो भाई बात है उस दिन की, हम जा रहे थे भाई खाटू श्याम जा रहे थे, व्लॉग वगैरह मैं नहीं कर रहा था। तो भाई उस दिन ना पता क्या हुआ था, हम भाई व्लॉग वगैरह नहीं कर रहा था मैं उस दिन। तो भाई हम जा रहे थे खाटू श्याम, भाई बढ़िया गए हम एक और जगह रुके थे खाटू श्याम की, मैं वहाँ की क्लिप डालूंगा, मैंने रील बनवाई थी वहाँ पर अपनी, वो भी बढ़िया जगह थी भाई, जाए बहुत सही, दर्शन वगैरह बढ़िया हुए। अब ना आते टाइम ना एक काम हो गया। अब क्या काम हुआ भाई, हमारा भी नुकसान हो गया और अगले का भी नुकसान हो गया। और वो भाई नुकसान हुआ है एक्सेसरी की वजह से। अगर मैंने वो एक्सेसरी नहीं लगा रखी तो होती तो मैं भी परेशान नहीं होता और वो भाई भी परेशान नहीं होता। इसके साथ वो नुकसान हुआ उसका भी और मेरा भी, दोनों का नुकसान हो गया भाई उस एक्सेसरी की वजह से। और भाई एक्सेसरी भी ऐसी वैसी नहीं, गाड़ी को लुक बहुत मस्त करने वाली एक्सेसरी, और आजकल सभी लगवा लेते हैं। और बात करें ज़्यादातर स्कॉर्पियो वाले जरूर लगवाते उस एक्सेसरी को। तो हाँ भाई मैं बात कर रहा हूँ रूफ रेल्स की। भाई आपके पहले की वीडियोज़ में बहुत देखा होगा मेरी गाड़ी में लगी हुई थी रूफ रेल्स वगैरह, और अब जो एक दो वीडियो आ रही है ना उसमें नहीं दिख रही रूफ रेल। अब उसका रीज़न है वही खाटू श्याम ट्रिप, जिससे जिसके बाद रूफ रेल नहीं दिख रही। तो अब मैं आपको समझाता हूँ पूरी स्टोरी कैसे क्या क्या हुआ था। चलो हाँ भैया तुमसे बाद में बात करता हूँ, रुक जाओ। तो भाई ये बात है उस दिन की, खाटू श्याम जा रहे थे हम दर्शन वगैरह, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले वीडियो में सब कुछ हो चुका था। तो आते टाइम ना रात हो गई थी, अब हम सालासर वगैरह तो गए नहीं, रात हो गई। अब रात को हम आ रहे थे हाईवे पे, भाई अराउंड 80 की स्पीड होगी, 80 की स्पीड पे ना बहुत तेज़ आवाज़ आई खड़ाक करके। हमने देखा सारे में चेक करा, भाई कुछ नहीं हुआ था गाड़ी में, हमने रोक के भी चेक करी, लेकिन ना हम ना छत पे देखना भूल गए। भाई क्या हुआ, रूफ रेल उड़ के पीछे ब्लैक कलर की टाटा हैरियर आ रही थी, उसमें जाके बहुत तेज लगी उसकी विंडशील में, उसकी विंडशील टूट गई गाड़ी की। तो भाई उसने लगा दी गाड़ी पीछे, फिर भाई गलती तो हमारी थी, लेकिन ना हमने देखा ना वो ड्रंक वगैरह कर रखा था उन्होंने हरियर वालों ने, तो हमने गाड़ी रोकने सही नहीं समझी, क्योंकि हमारे साथ जने कुछ ज़्यादा थे, बच्चे वगैरह भी थे, तो इसलिए हमने गाड़ी वगैरह तो रोकी नहीं, हमने भी भगा ली गाड़ी। भाई मानोगे नहीं, वैगन वो ड्रंक थे या तो इसलिए पीछे रह गए, पर उनकी गाड़ी हाथ नहीं आई वैगनर, हमने सही खींच के ले ली थी गाड़ी, उनके गाड़ी हाथ नहीं आने दी हमने, भाई उनके गाड़ी हाथ नहीं आने दी कहती भी भाई, बेफालतू में ड्रंक वगैरह थे, सीन क्रिएट हो जाता। हाँ भाई मैं मानता हूँ नुकसान हुआ, मेरे को भरना चाहिए था, लेकिन भाई कभी भी ना किसी का भी नुकसान हो जाएगा, वो ड्रंक वगैरह है उससे कभी मत भिड़ो, चाहे गाड़ी अपनी गाड़ी में नुकसान हो गया हो चाहे दूसरी गाड़ी में हो गया, ड्रंक वाले आदमी से तो कभी भिड़ना नहीं चाहिए। अगर ड्रंक वाले आदमी से भिड़ गए ना तो मारपीट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है भाई, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो भाई पूरा बताता हूँ मैं, भाई मैं बताता हूँ, इस साइड वाली उड़ गई थी सेफ थी। अब मैं बताता हूँ ये क्यों उड़ी, इसका रीज़न क्या था, ये चिपकी होती है टेप से, इसमें कोई नट बोल्ट का सिस्टम तो होता नहीं, इससे पहले वाले मॉडल वाली वैगनर में आया करते नट बोल्ट वाला सिस्टम, तो उसमें क्या रहता था वो उड़ने का चांस ही नहीं, वो होती थी फंक्शनल रूफ रेल, और ये फंक्शनल ही थी, ये सिर्फ लुक बढ़ाने के लिए थी। आपने बहुत सी वीडियोज़ वगैरह में देखा होगा वैगनर में लोग जाके रूफ रेल वगैरह लगवा लेते हैं आफ्टर मार्केट, अच्छी लगती है नो डाउट, बढ़िया लगती है लुक में, लेकिन भाई वो ना एक भी ना नट वाली नहीं होती। अब मैंने जैसे कि बात करी थी ना कचड़ा वगैरह पड़ा पता नहीं कैसे फेंक दिया किसी ने, तो ये देखो टेप के निशान भी एज इट इज ही हैं, ये रे और यहाँ भी सेम। तो भाई वो जो और स्कॉर्पियो वगैरह में लगती है ना, जो स्कॉर्पियो वगैरह किया सेल्टस वगैरह इनमें, किया सेल्टस में भी टेप वाली लगती है, स्कॉर्पियो में लगती है नट से, नट बोल्ट घस जाते ताकि वो गिरती नहीं, और जो इससे पहले मॉडल वाली वैगनर आया करती उसमें भी नट से लगा करती और वो फंक्शनल होती थी। और रूफ रेल का मैं सबसे पहले आपको रूफ रेल का काम बताता हूँ, रूफ रेल काम होता है अगर आपके छत पे कुछ सामान रखते होते हैं ना उसको बांधने के लिए रूफ रेल काम आती है, और कैरियर लगाने के बेसिकली उसी चीज़ के लिए काम आती है रूफ रेल, उसका अलावा उसका बस एक लुक बढ़ाने का आता है। और आजकल गाड़ियों में रूफ रेल आती है सिर्फ लुक वगैरह के लिए, पहले आया करती फंक्शनल, स्कॉर्पियो वगैरह में फंक्शनल है और गाड़ी में फंक्शनल आती थी, जैसे इसमें वैगनर की बात कर लें इसमें भी फंक्शनल आया करती रूफ रेल। तो भाई गिर गई, अब दूसरी बात करते हैं कितने की लगवाई थी मैंने, भाई मेरा हो गया है 2500 रुपये का नुकसान, गैलियो कंपनी लगाई थी मैंने ऑल ओरिजिनल, 2500 रुपये गए मेरे सीधे पानी में। अब एक उतार के रख ली मैंने घर पे, क्योंकि एक लगाने कोई सेंस बनता नहीं, एक से मैं क्या ही करूँगा, अब मेरे को ख़रीदना पड़ेगा सेट। हाँ भाई मैं रूफ रेल दोबारा लगाऊंगा, लेकिन ना इस बार ना
उसने ना पहली बार जो कार एक्सरे वाला था ना उसका मैं नाम बताऊंगा, उससे कभी भी कुछ काम मत करना। उसने जो जो काम करा था ना मेरी गाड़ी में सब बेकार हो गया। उसका नाम है श्री राम कार एक्सरीज भाई, राम के नाम पे दर्दी गाड़ी की मतलब उसने रख तो दिया श्री राम के नाम पे, लेकिन भाई वो उसका पालन नहीं कर रहा, वो सारे काम नकली करता है। स्पीकर लगवाए थे वो भी घटिया क्वालिटी के लगाए थे उसने, नट बोल्ट से वो वैसे नट कस दिए थे उसमें, रिंग वगैरह कुछ नहीं लगाई थी उसने, रूफ रेल भी ऐसी चिपकाई थी, और एक दो काम और करवाए थे जो मैंने हटा के फेंक दिए। उसका काम करा ऑर्डर तो बेकार था सारा। वो है सेक्टर 14 की मार्केट में श्री राम कार एक्सरीज करके भाई, उस पर आवाज़ मत जाना और किसी के पास चले जाना, हम भी गलत फंस गए थे इसलिए। तो भाई 2500 रुपये गैलियो कंपनी की लगाई थी, उसको ओरिजिनल कह के लगाई थी मैंने, कहा चल ओरिजिनल वगैरह होगी तो भाई गिरेगी विरेगी नहीं, लेकिन भाई वही हुआ, गिर गई वो भी। अब क्या ही कर सकते हैं, गिर गई तो गिर गई। लेकिन अब मैं लगवाऊंगा गैलियो कंपनी की, लेकिन किसी और दुकान से जो गारंटी ले भाई, छुटेगी नहीं भाई। कई आती हैं, कई रूफर लाती हैं, पता क्या करेंगे, लगी टेप से होती है लेकिन ना खींच के चेक कराते हैं वो, हाँ भाई पूरी गाड़ी हिल रही है, ऐसे पकड़ के हिला हिला के दिखाएंगे। अगर किसी भाई की भी एक गिर गई हो तो भाई मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है, मेरे पास एक पड़ी है, मेरे से ले जाना। अगर किसी के पास एक पड़ी हो तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर लो, मैं ले जाऊंगा आपसे। भाई आज की वीडियो में यही था, अगर चिपकने वाली एक्सरीज लगाओ ना तो भाई थोड़ा सोच समझ के लगाओ, कि गिर जाती है, इनका कोई भरोसा नहीं होता। ये टेप से लगी होती है, जैसे ये टेप से लगा है, ये तो छोटी मोटी चीज़ें तो एडजस्ट है। अब ये देखो, ये भी उससे लगवाए थे हमने, ये देखो ये तो ये फिक्स है। इस सड़क देखो, ये फिक्स है, ये देखो हिल रहा है। और ये नहीं, हमने स्पॉइलर भी लगवाया था उससे, ये देखो स्पॉइलर हिल रहा है, क्योंकि ये टेप से लगता, लेकिन टेप उसकी बेकार थी जो यूज़ कर रहा था, लाल रंग की टेप ले रहा था, कोई घटिया क्वालिटी की सी, तो वो यूज़ कर रहा था। अब ये टिका हुआ है सिर्फ इन नटों पे दोनों साइड, मैं बंद कर लूँ उसको। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही था, थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी थी, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी, कि जो भी भाई काम कराया करे थोड़ा ढंग के देख के कराया करे, अपनी निगरानी क्या कराया करे। कई भाई पता है क्या करते हैं, गाड़ी का काम हो रहा होगा और कहीं चले जाएंगे, भाई मैं यहाँ जा खाने पीने चले जाएंगे कुछ करने, भाई मत जाया करो, एक बार काम होता, क्या पता वो कोई पार्ट चेंज कर दे, अंदर वायरिंग कटिंग कर दे, फिर बाद में उसके चक्कर काटते रहो दुकान वाले के, वो कहेगा कहीं और छिड़वा ली, कंपनी के चक्कर काटते रहो, कंपनी से वारंटी आउट। तो भाई यही था बस आज की वीडियो में, मिलते हैं किसी ऐसे ही नई टॉपिक में।